नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। प्रदेश के राज्यपाल, दीक्षांत समारोह कैसे होगा, क्या होगा, इसमें खास इसी को लेकर वंदे भारत की टीम ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमको क्या कुछ बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। मैं आपको एक आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूंगा। पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार, ये वही जगह है जहां प्रदेश के राज्यपाल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। 9वें दीक्षांत समारोह में क्या है तैयारियां, क्या है खास, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के पास, और उन्हीं से जानूंगा पूरा मामला क्या है। हम आप पहुंचे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह के पास और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दीक्षांत समारोह में क्या है खास। मैं मौजूद हूँ रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। 50 साल से पुराना यहाँ का इतिहास रहा है। 9वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। विंध्य भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि दीक्षांत समारोह में क्या है खास। दीक्षांत समारोह शिक्षा जगत का, उच्च शिक्षा का एक एकेडमिक एकेडमिक उसमें फील्ड में आप कह सकते हैं कि अकादमिक एक सिस्टम होता है जिसके अध्यक्ष माननीय महामहिम कुलाधिपति जी होते हैं और उनके हाथों से विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, न सिर्फ विश्वविद्यालय यूटीडी परिवार के बल्कि महाविद्यालय के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन सबको डिग्रियां और गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। उनका एक सपना होता है, बच्चों का, विद्यार्थियों का, कि हमको महामहिम के द्वारा डिग्री मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है उसमें हमारे जो प्रतिभाशाली विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको डिग्री और स्वर्ण पदक से विभूषित अलंकृत किया जाएगा। कितने लगभग कितने बच्चों को इस बार आपने शामिल किया है इस दीक्षांत समारोह में? इस समारोह में हमारे 64 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि स्वर्ण पदक से अलंकृत किया जाएगा और बाकी टोटल 86 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि डिग्रियाँ दी जाएंगी। 64 बच्चों को गोल्ड मेडल, उनका सपना पूरा करने जा रहा है रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 9वें दीक्षांत समारोह में। तो सुना आपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह दीक्षांत समारोह को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य के पास, दीक्षांत समारोह में और क्या रहेगा जानने के लिए। मैं मौजूद हूँ रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय अपना 9वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के पहले आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे शंभुनाथ शुक्ल। उन्हीं के नाम से जो हॉल बनाया गया वहीं पर दीक्षांत समारोह होगा। बात करने के लिए हमारे पास 30वें कुलपति अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के राजकुमार आचार्य जी। दीक्षांत समारोह में सर जिस तरीके से आप आयोजन करने जा रहे हैं तो क्या है इसकी आयोजन की रूपरेखा पूरी? 9वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का आयोजित है और इस विश्वविद्यालय के द्वारा इस 9वां दीक्षांत में 64 प्रतिभागियों को स्वर्ण मेडल प्रदान किए जाना है और महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन 6 दिसंबर को हो रहा है। उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण के लिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल के मुकुल जी कानिटकर पधार रहे हैं और अतिथि स्नाते हमारे मार्गदर्शक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारने जा रहे हैं। 6 दिसंबर को 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें विद्यार्थियों को और PhD, D.Lit और स्वर्ण पदक प्रदान की डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य जी, जिन्होंने यहाँ राज्यपाल जब आएंगे किस तरीके से आएंगे, क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी हमको बताई। तो सुना आपने कुलपति और रजिस्ट्रार दीक्षांत समारोह को
लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नौवां दीक्षांत समारोह, 64 गोल्ड मेडल, अपने आप में बड़ी बात। विंध्य भारत के लिए मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।